नमस्ते, मेरा नाम सीमांत है और आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। इस वक्त हम भिलाई के प्रसिद्ध मॉल सूर्या मॉल के ठीक भीतर हैं। दरअसल सरकार का आदेश है और कलेक्टर की अनुमति है कि मॉल, रेस्टोरेंट और होटलों को खोल दिया जाए। जिन चीज़ों को नहीं खोलने की अनुमति है, दरअसल वो हैं बार, सिनेमा हॉल और जिम। फिलहाल जिन चीज़ों को खोलने की बात है उस पर हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो नज़ारा है सूर्या मॉल का, फ़िलहाल थोड़ा खाली है। किस तरह से व्यापारी फिर से शुरुआत करने की कोशिश में हैं, और इन सब को देखते हुए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ के व्यापारियों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि फिर से थमी हुई चीज़ की शुरुआत करने में जो समय लगेगा, या फिर व्यापार में जो गति रुक गई थी उसमें तीव्रता आने में कितना समय लगेगा, और उनकी क्या व्यथा इस वक्त है, 97 दिन बाद अपना कारोबार खोल रहे हैं। क्या आज सही खुला है मॉल? बहुत लोगों को मालूम नहीं है, अभी क्राउड होगा धीरे धीरे, अभी एक आध दो लोग ही आ रहे हैं। अभी देखो, अभी तो बहुत शॉप बंद भी है, अभी खुलेगा धीरे धीरे। तोष कुमार, हिमालय ऑप्टिकल से। इतने दिनों तक दुकानें बंद थी, व्यापार बंद था, आज अनुमति मिली है मॉल को खुलने की, क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? देखिए, ये बहुत ज़रूरी था इकोनॉमी के हिसाब से भी, और क्योंकि आप जानते ही हैं कि मॉल में इतने सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो सबकी रोजी रोटी भी बहुत ज़रूरी थी। इससे क्या हो रहा था कि सब लोगों का काम भी बंद हो गया था। अब इससे क्या होगा, ये खुला है तो एक अच्छी खबर है, तो इससे क्या है कि इकोनॉमी भी पटरी पे भी आएगी, और लगेगा समय थोड़ा सा, लेकिन जहाँ तक है ये बहुत अच्छा पहल है जो भी गवर्नमेंट ने किया है, बहुत अच्छा चीज़ है। अभी तो सर फिर भी 1 से 2 महीना लगेगा ही कस्टमर को धीरे धीरे आने में, क्योंकि जिस प्रकार से अभी जो चल रहे हैं, जो कंडीशन है, केसेस जो मिल रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में, तो सभी अवेयरनेस है उसके प्रति। हमारे यहाँ सर अभी सैनिटाइज वगैरह है, जैसे हैंड्स वगैरह, जो भी कस्टमर आता है तो हम सबसे पहले अपना सैनिटाइज वगैरह करवाते हैं उनको। आज तो खैर फर्स्ट डे है। थमी हुई चीज़ों पर धूल जमी है, अब उस धूल को झाड़कर उसे शुरुआत करने में समय तो लगेगा ही। फिलहाल समय थोड़ा धीमा चल रहा है, लेकिन तसल्ली है कि समय चल तो रहा है। फिलहाल हम भी चलते हैं, लौटेंगे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। नमस्कार।